होम मीटिंग से आया हो, जीटीएस में आने के बाद में वो डुप्लीकेट करता है, इस बिजनेस में डुप्लीकेशन वाले काम करता है अगर जीटीएस में आप लोगों को भरना चालू करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जीटीएस एक ऐसा साधन है जिसमें आप लोगों को भरते हैं तो वो डुप्लीकेट ज्यादा करता है, वहां आके किसी भी चीज को आके डुप्लीकेट करता है। तो आप मैक्सिमम होम मीटिंग पे फोकस ज्यादा करें, ऐसा मेरा मानना है, और इसके रिजल्ट भी बेहतर है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, आपको किसी खेत को खोदने का ठेका दे दिया गया और चम्मच दे दी गई किसको खोदो, कितने साल में खोद पाएंगे? नहीं खोद पाएंगे ना। लेकिन आपको बुलडोजर दे दिया, जेसीबी दे दिया, आप उसको खेत को खोद के पड़ोसी का भी खोद के आ जाएंगे ना। तो वो हमारा बिजनेस के अंदर जो प्लान का टाइप टू था ना, होम मीटिंग, वो जेसीबी है भैया, जेसीबी है। फास्ट ग्रोथ करने के लिए होम मीटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। और मैं जो आज बोल पा रहा हूं ना, जो भी प्रोडक्ट हूं होम मीटिंग के बदौलत हूं भाई। गांव का देसी लड़का कभी बोल ही नहीं पाता था, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं और हमारे मतलब 12वीं क्लास तक तो हिंदी बोलते ही नहीं थे। कोई गांव में हिंदी बोलने वाला आ गया ना तो उसको ऐसे बोलते थे, अंग्रेज आ गया, ये अंग्रेजी बोल रहा है, हिंदी को अंग्रेजी बोलते थे। ऐसे गांव का आदमी हूं, होम मीटिंग से यहां तक पहुंच गया भाई। ये पांव ने तीन जितनी बड्डिया होती अलग अलग दी थी मेरी शुरू शुरू में यहां, लेकिन होम मीटिंग ने मेरे को यहां खड़ा किया। पांच पांच सात सात आठ आठ लोगों की होम मीटिंग ने, और मैं आपके अंदर की भावना को समझ पा रहा हूं। नया आदमी जो आता है ना, अर्ली से डीटीसी लेवल तक के व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, मैं भी जाऊंगा यार एक दिन स्टेज पे, मैं भी बोलू। अंदर की भावना तो होती है लेकिन बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? होम मीटिंग ही नहीं करी भाई कभी। और जो व्यक्ति होम मीटिंग कर करके मंज जाता है ना मार्केट में भाई, वो बोल पाता है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाता है। होम मीटिंग करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने लोग हैं जो होम मीटिंग करते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। ये देखो।